Hi guys, my name is Yanshul Mittal and in this video we will be covering the chapter number 10 of ACCA F9 and the name of the chapter is Working Capital Management, Cash and Funding Strategies. तो guys, जो पिछले हमारे chapters थे उसमें हमने पढ़ा था कि हमारे जो trade receivable या payable होते हैं या inventory होती है या हमने simple working capital के बारे में पढ़ा था कि trade receivable कितने होने चाहिए, trade payables कितनी होनी चाहिए, inventory कितनी होनी चाहिए, वो चीज़ हम कैसे डिसाइड करें, उस चीज़ के बारे में हमने पढ़ा था। इन दिस चैप्टर वी विल बी स्टडिंग कि हमारे को कैश कितना, कैश इज़ अ पार्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल, कैश इज़ अ करंट एसेट, सो इट्स अ पार्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल। अब इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि हमें वर्किंग कैपिटल में कितना कैश रखना चाहिए। ऑफकोर्स यहाँ पर हमें कोई फिक्स फिगर नहीं पता चलेगी, बट जस्ट फॉर कैलकुलेशन पर्पज कि हमें कितना कैश अपने पास रखना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली देर आर टू थिंग्स फॉर विच वी नीड टू टेक केयर ऑफ। जो फर्स्ट चीज़ हमारी होती है दैट इज लिक्विडिटी। अब कैश के केस में लिक्विडिटी क्या होगी कि हमारे पास खूब सारा कैश होना चाहिए, वी शुड हैव इनफ कैश, एक्स्ट्रा कैश, इनफ और एक्स्ट्रा कैश। जितना ज़्यादा कैश हमारे पास होगा उतनी हमारी पोजिशन लिक्विड रहेगी कि हम कभी भी इंसॉल्वेंसी वगैरह में नहीं जाएंगे, क्योंकि खूब कैश रखे अगर ऑन द स्पॉट किसी को पेमेंट करनी पड़े तो हम कैश दे सकते हैं। और इंसॉल्वेंट की लिक्विडिटी के साथ जो हम दूसरी चीज़ देखते थे दैट वॉज प्रॉफिटेबिलिटी। अब प्रॉफिटेबिलिटी के केस में हम क्या करें, अब हमने इंसॉल्वेंसी लिक्विडिटी में तो देख लिया कि कैश कितना रखना है, अब प्रॉफिटेबल सिचुएशन क्या बोलती है कि हम अपने पास लीस्ट कैश रखें, हम अपने पास लीस्ट कैश रखें, जो भी एक्सेस कैश है उसको हम कहीं पर इन्वेस्ट कर दें, उसको इन्वेस्ट कर दो या उससे स्टॉक परचेज कर लो। तो कि स्टॉक परचेज करोगे तो तुम्हें क्रेडिट पे परचेज नहीं करना पड़ेगा, या जो क्रेडिट पे परचेज करा हुआ है उसके साथ साथ ये भी स्टॉक आ जाएगा, ज़्यादा बिकेगा, ज़्यादा सेल्स होगी। तो रादर देन कीपिंग कैश हैंडी, कैश को लिक्विड फॉर्म में रखना, उस कैश को कहीं पे इन्वेस्ट कर दो, स्टॉक की फॉर्म में रख लो या शेयर्स परचेज करो, जस्ट एन एग्जांपल। सो प्रॉफिटेबिलिटी हमें ये बोलती है और लिक्विडिटी बोलती है जितना ज़्यादा कैश रखोगे उतना बेटर है। अब इस चैप्टर में हमने इसी के बारे में पढ़ना है कि कैश को हमें कितना अपने पास मेंटेन रखना चाहिए। सो सबसे पहली बात हमें क्वेश्चन में, इस चैप्टर में सॉरी, क्या बोली गई है, व्हाट आर द रीज़न दैट वी शुड होल्ड कैश, हमारे पास क्यों कैश होना चाहिए, लिक्विडिटी पोजीशन क्यों हमारे पास होनी चाहिए। पहला ट्रांजैक्शन मोटिव कि ऑन द स्पॉट अगर हमें कोई पेमेंट करनी पड़े, ट्रांजैक्शन करनी पड़े तो हमारे पास इतना कैश हो। प्रिकॉशनरी मोटिव मतलब कि मान लो देयर इज अ सिचुएशन कि हमें किसी को पेमेंट करनी पड़ रही है, मान लो एक क्रेडिटर है उसको हमें पेमेंट करनी पड़ रही है अर्जेंसी बेसिस पे, ठीक है ना, तो हमारे पास प्रिकॉशनरी मोटिव होना चाहिए। एंड थर्ड इज इन्वेस्टमेंट मोटिव कि अगर हमें स्पेक्यूलेटिव इनकम मतलब जैसे शेयर ट्रेडिंग या कई बार शेयर ट्रेडिंग के साथ साथ हम इन्वेंट्री ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। अब इन्वेंट्री ट्रेडिंग क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल बहुत छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, अब देर इज़ अ टाइम पीरियड इन अ ईयर जहाँ पे जो लेमन है या जैसे वो है हमारा राइस, जैसे राइस है एक पॉइंट पे आके जो राइस है वो राइस हमारी कॉस्टली हो जाती है, ठीक है, तो लोग क्या करते हैं वो राइस उस सीज़न से काफ़ी पहले खूब सारी राइस जो है अपने पास स्टॉकिंग करके रख लेते हैं। वो इसलिए नहीं रखी उन्होंने कि उन्हें राइस बेचनी है, इन द सेंस बना के बनानी है कुछ या सेल करनी है, वो उन्होंने स्टॉकिंग कर ली कि जैसे ही हमारी जो राइस के प्राइसेस बढ़ेंगे हम उसको सेल कर देंगे। जैसे मान लो ये काम राइस का नहीं करते, ये काम किसी और चीज़ का करते, हमारा काम है किसी और चीज़ का, खाने का ही है बट नॉट फॉर राइस। राइस हमने ली हुई है इसलिए नहीं कि राइस की हम ट्रेडिंग करते हैं, इसलिए कि हमने राइस को एज इन्वेंट्री ट्रेडिंग के लिए रखा हुआ है अपने पास, अभी ले लिया और मान लो 4 महीने बाद राइस के रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गए तो तब हमने राइस को सेल कर दिया, दैट इज़ कॉल्ड इन्वेस्टमेंट या स्पेकुलेटिव मोटिव। सो ऐसे अगर हमें बल्क में राइस परचेज करना है तो उसके लिए भी हमें कैश चाहिए, क्योंकि क्रेडिट पे कोई हमें राइस नहीं देने वाला ऑफकोर्स, ठीक है ना। सो फेलियर टू कैरी सफिशिएंट कैश लेवल कैन लीड टू, अगर हम सफिशिएंट कैश अपने पास नहीं रखते तो उससे क्या क्या प्रॉब्लम्स होगी, पहला लॉस ऑफ सेटलमेंट डिस्काउंट मतलब जब भी हम बल्क में सामान परचेज करते हैं और उसके बाद अगर हम किसी को अर्ली कैश देते हैं, अगर हम किसी को अर्ली कैश पे करते हैं तो उस पर हमें सेटलमेंट डिस्काउंट मिलता है कि वैसे तो हमें 3 मंथ्स बाद पेमेंट करने हैं लेकिन अगर हम 1 मंथ बाद पेमेंट कर देंगे तो हमें कुछ डिस्काउंट मिलेगा, वो मिलेगा ही नहीं क्योंकि हमारे पास कैश ही नहीं है। लॉस ऑफ सप्लायर गुडविल, अगर हमारे पास कैश कम है, 3 महीने हो गए सप्लायर को पेमेंट करनी है और कैश ही नहीं है तो हमारी गुडविल ख़त्म हो जाएगी।
उससे हमारे रिलेशन ख़राब हो जाएंगे और पोटेंशियल लिक्विडेशन, और एट द एंड क्या होगा, हमें अपनी कंपनी बंद करनी पड़ेगी क्योंकि सप्लायर कोई सामान क्रेडिट पे दे नहीं रहा, हमारी सेल ही नहीं हो रही, जो रिसीवेबल है वहाँ से पैसे आ ही नहीं रहे, हम उनसे कलेक्शन ही नहीं कर रहे, तो दैट मीन्स हमें अपनी कंपनी करनी पड़ेगी बंद। सो दिस इज, दीज आर द मेजर रीजंस व्हाई वी शुड होल्ड कैश विद अस। अभी उसी को एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है, जैसे मैंने बताया था उसी को एक्सप्लेन किया हुआ है, जैसे एक बार पढ़ लेना इसे। अब बैलेंसिंग एक्ट कैश के केस में क्या होते हैं, मैंने तुम्हें अभी स्टार्टिंग में बताया था, वन इज़ लिक्विडिटी एंड अदर इज़ प्रॉफिटेबिलिटी। सो लिक्विडिटी मतलब एबिलिटी टू पे बिल्स एज दे फॉल ड्यू एंड टेक एडवांटेज ऑफ अपॉर्चुनिटी एडवांस, मतलब हमारे पास इनफ कैश होना चाहिए, वी शुड हैव इनफ कैश। सो एबिलिटी टू पे बिल्स एज दे फॉल ड्यू एंड टेक एडवांटेज ऑफ अपॉर्चुनिटी एज वंस। और प्रॉफिटेबिलिटी मतलब मिनिमाइजिंग द होल्डिंग ऑफ कैश, मतलब मिनिमल कैश इन हैंड, कि हम मिनिमम कैश अपने पास रखें, एंड आइडल एसेट बेटर इन्वेस्टेड, कि हम इसको कहीं इन्वेस्ट करके रख लें रादर देन कैश की फॉर्म में रखना। सो दीज आर दी टू पॉइंट्स जो हमें कैश में ध्यान रखना होता है, कि या तो लिक्विड या फिर प्रॉफिटेबिलिटी, हमें हमेशा इनका एक बैलेंस बना के चलना पड़ता है। अब इसको कैसे करते हैं वो सारा हम बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक गाइज यहाँ पे आता है, दैट इज़ कैश बजट एंड कैश फ्लो फोरकास्ट, कैश बजट्स एंड कैश फ्लो फोरकास्ट। तो ऑफकोर्स जैसे मैंने बताया, मैं पूरा डिटेल में इसको नहीं एक्सप्लेन करूँगा, तुम्हें सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है। कॉन्सेप्ट अगर तुम्हें समझ आ गया, साथ ही इसकी थ्योरी पढ़ ली, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अब गाइस एक होता है हमारा कैश फोरकास्ट, एक होता है कैश बजट। तो अभी मैं अगर कैश फ्लो हटा दूँ, अभी मैं सिर्फ बात करूँ फोरकास्ट की और बजट की, तो बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज़ होंगे कि सर फोरकास्ट और बजट तो एक तरह से सेम ही चीज़ होती है। नहीं, फोरकास्ट और बजट में देयर इज़ अ डिफरेंस। फोरकास्ट एंड बजट, सो इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या आएगा, देखो। सबसे पहले मैं बात करता हूँ फोरकास्ट की। सो फोरकास्ट की, फोरकास्ट मीन्स ये जो मेरी प्रेजेंट वैल्यू है, कोई भी चीज़ की जो मेरी प्रेजेंट वैल्यू दी हुई है, जो भी प्रेजेंट वैल्यू मेरी आई हुई है, उस वैल्यू के बेस पे आई कैन सी, मैं देख सकता हूँ कि फ्यूचर में मेरा, फ्यूचर में ये वैल्यू क्या होने वाली है, दैट इज़ माई फोरकास्ट। कि मैंने देखा कि मेरा, लेट्स से सिंपल सी एग्जांपल, मेरी जो सेल है वो हर साल 10% से इंक्रीज होती है, हर साल मेरी सेल 10% से इंक्रीज़ हो रही है, जो मैंने पास्ट ट्रेंड से अपना एनालाइज किया है। तो मैं कह सकता हूँ ना कि जो मेरी नेक्स्ट ईयर भी सेल इंक्रीज़ होगी, इट इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी 10%, इट इज़ बिकॉज ऑफ दी फोरकास्टिंग, कि मैंने आज की फिगर को देख के ये समझा है कि आगे की फिगर क्या हो सकती है, दैट इज़ फोरकास्ट। तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरी जो सेल थी दैट वाज 1 लाख, तो मैं ये कहूँगा कि इस साल जो मेरी सेल होगी इट्स गोइंग टू बी 1,10,000। दिस इज़ माय फोरकास्ट, कि करंट सिनारियो देख के मुझे पता है कि 10% इंक्रीज़ आएगा, तो इस साल जो मेरी सेल होगी दैट इज़ गोइंग टू बी 1,10,000। अब बजट क्या होता है, बजट मीन्स इस सेल को पूरा करने के लिए मुझे एक बजट बनाना पड़ेगा, कि मुझे क्या क्या और एक्सपेंसेस करने पड़ेंगे, और अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे देखना पड़ेगा कि यार 10% तो फोरकास्टिंग है, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि नहीं, मेरे को जो अपनी सेल है वो करनी पड़ेगी 1,12,000। हमेशा अगर अपना बजट थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा के रखूँगा तभी हम अपने टारगेट को अचीव कर पाएंगे। तो मैंने बजट बनाया कि अगले साल मेरी सेल होनी चाहिए 1,12,000। वो बजट मैंने कैसे बनाया, फोरकास्ट देख के, कि फोरकास्टिंग के अकॉर्डिंग 1,10,000 हो सकती है, अगर हम थोड़ा सा पुश और करें तो हम 1,12,000 कर सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड अ बजट। सो कैश बजट इज़ अ कमिटमेंट टू अ प्लान फॉर कैश रिसीट एंड पेमेंट। अभी तो जैसे मैंने सेल्स का एग्जांपल दिया था, यहाँ ये कैश की बात कर रहे हैं, कि कैश बजट इज़ अ कमिटमेंट टू प्लान, कि इतना मेरा कैश रिसीट होनी चाहिए और इतनी मेरी कैश पेमेंट होनी चाहिए फॉर अ फ्यूचर पीरियड बाय टेकिंग एनी एक्शन नेसेसरी टू ब्रिंग दी फोरकास्ट इनटू लाइन विद दी ओवरऑल बिजनेस प्लान। ये जो फोरकास्ट हमने बनाया था उसमें जो भी एक्शन लेना है उसके अगेंस्ट, जो भी चेंजेस करना है, जो भी मॉडिफिकेशन करनी है उसके अकॉर्डिंग। सो कैश बजट्स आर यूज टू असेस एंड इंटेग्रेट ऑपरेटिंग बजट, प्लान फॉर कैश शॉर्टेज एंड सरप्लसेस, कंपेयर विद द एक्चुअल स्पेंडिंग। के जो हम बजट बनाते हैं, हमने इतनी बार F5 पढ़ा हुआ है, F2 पढ़ा है, सब में हमने यही पढ़ा है बजट और एक्चुअल। बजट बनाने का पर्पस क्या होता है, कि हमें इन हैंड एक चीज़ मिल जाती है जिसको फॉलो करके हमें ये काम करना है, सो दैट इज़ अ कैश बजट। अब कैश फोरकास्ट कैन बी प्रिपेयर्ड, फोरकास्ट को हम किस बेस पे प्रिपेयर कर सकते हैं, रिसीट एंड पेमेंट फोरकास्ट। सो दिस इज़ अ फोरकास्ट ऑफ कैश रिसीट एंड पेमेंट बेसिस,
कि कितनी हमारी सेल्स हो रही है, कितनी कॉस्ट ऑफ सेल्स है, उसके अकॉर्डिंग हमें क्या लग रहा है। जैसे देखो ये जो चैप्टर है ये इन तीन खंभों पे डिपेंड है। एक है, एक सेकंड, ये क्या हो गया, कुछ ज़्यादा मोटा हो गया। रिसीट एंड पेमेंट फोरकास्ट, एक है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, एक है वर्किंग कैपिटल रेशियोस। तो सबसे पहला जो टॉपिक हमें पढ़ना है, जो आज की वीडियो में मैं तुम्हें कवर कराऊंगा, दैट इज़ रिसीट एंड पेमेंट फोरकास्ट। कि मैं अपनी टोटल कैश इनफ्लो, कैश रिसीट मतलब कैश इनफ्लो, और मैं माइनस कर दूंगा उसमें से कैश आउटफ्लो, तो मुझे पता चलेगा मेरे पास टोटल कैश कितना होना चाहिए। दिस इज़ फ्रॉम रिसीट एंड पेमेंट बेसिस फोरकास्ट। सेकेंड आता है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन फोरकास्ट। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन मतलब कि जैसे हमने F3 सब्जेक्ट या F7 में, तुमने ऑफकोर्स इन दोनों में से कोई ना कोई एक सब्जेक्ट तो पढ़ा होगा, शायद दोनों भी पढ़े होंगे, वहाँ पे हमने चैप्टर पढ़ा था कैश फ्लो स्टेटमेंट। हमने वहाँ पे क्या पढ़ा था, कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर जब हमने पढ़ा था, हमने उसमें से देखा कि कैश फ्लो स्टेटमेंट जब हम बनाते थे, हम ये देखते थे कि हमारे पास ऑपरेटिंग कैश कितना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है, फिर कुछ प्लस माइनस करके हमें पता चलता था नेट चेंज इन कैश। तो अगर हम फ्यूचर की वैल्यूज़ प्रिडिक्ट कर सके, हमें पता है कि आगे ये चीज़ें होने वाली हैं, उसके अकॉर्डिंग हम ये एनालाइज कर सकते हैं कि आगे जाके कितना कैश हमारे पास होना चाहिए। अगर मैं बोलता हूँ मैंने आगे जाके मशीन परचेज़ करनी है, आगे जाके शेयर्स इशू करने हैं, आगे जाके लोन लेना है, फ्यूचर मैं प्रिडिक्ट कर सकता हूँ, बेसिकली मेरे को पता है कि मेरा प्लान है, मुझे करना है आगे, तो उस केस में क्या फोरकास्ट होगा, कितना मेरा कैश आएगा, वो आएगा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन से। और वर्किंग कैपिटल रेशो ये जब हम आगे करेंगे वहाँ तुम्हें पता चलेगा। तो ये तीन पिलर्स पे हमारा जो चैप्टर है वो बेस है। आज हम सिर्फ यही पढ़ेंगे, रिसीट एंड पेमेंट फोरकास्ट। इसका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वो तुम करोगे तुम्हें अच्छे से समझ आ जाएगा। अब नेक्स्ट आता है कैश बजट एंड कैश फ्लो फोरकास्ट। ये वही कि कैश बजट और फोरकास्ट में क्या डिफरेंस है, जल्दी से पढ़ लेते हैं। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ बजट एंड अ फोरकास्ट। अ कैश फोरकास्ट इज अ एस्टिमेट ऑफ कैश रिसीट एंड पेमेंट फॉर फ्यूचर पीरियड अंडर एग्जिस्टिंग कंडीशंस बिफोर टेकिंग इन टू अकाउंट पॉसिबल एक्शंस टू मॉडिफाई द कैश फ्लो, रेज न्यू कैपिटल, इन्वेस्ट सरप्लस फंड। कि हमने अभी सिर्फ करंट सिनारियो देख के बताया कि हमें लग रहा है कि 10% हमारी सेल्स बढ़ेगी, लेकिन जब हमें पता चला कि हमने यहाँ पे एक मशीन भी नई परचेज करनी है, तो जब नई मशीन परचेज करेंगे तो ऑफकोर्स सेल भी तो बढ़ जाएगी ना हमारी। तो बजट में हमने देखा कि वैसे 10% बढ़ती है फोरकास्ट के अकॉर्डिंग, लेकिन अगर हम एक मशीन परचेज करते हैं तो सेल कितनी बढ़ेगी, दैट इज़ अ कैश बजट। सो कैश बजट इज़ अ कमिटमेंट टू अ प्लान फॉर कैश रिसीट एंड पेमेंट। कि हमारे बजट के अकॉर्डिंग टोटल कैश रिसीट इतनी होनी चाहिए, टोटल कैश पेमेंट इतनी होनी चाहिए, बाय टेकिंग एक्शन नेसेसरी टू ब्रिंग प्रीलिमिनरी फोरकास्ट इनटू कंफॉर्मिटी विद द ओवरऑल प्लान ऑफ द बिजनेस। कि फोरकास्ट में जो चीज़ें थी उसके अकॉर्डिंग हमने बजट बना दिया, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है गाइस, दैट इज प्रिपेयर अ कैश फ्लो फोरकास्ट फ्रॉम रिसीट एंड पेमेंट। अब रिसीट एंड पेमेंट से हमें कैश फ्लो फोरकास्ट बनाना है। पहले इसका फॉर्मेट देखते हैं, फिर फॉर्मेट देख के मैं तुम्हें ये पढ़ के बताता हूँ, ठीक है। पहले फॉर्मेट देखते हैं, फॉर्मेट क्या है इसका गाइस, ध्यान से देखना। हम सबसे पहले लिखेंगे अपनी रिसीट, कि हमारी टोटल रिसीट इतनी होनी चाहिए, जो भी रिसीट जहाँ जहाँ से भी पैसे आ रहे हैं। देन कितनी हम पेमेंट कर रहे हैं, सो दिस इज़ कैश रिसीट, दिस इज़ टोटल कैश पेमेंट, तो पता चल जाएगा नेट कैश फ्लो पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव आया दैट मीन्स कैश इनफ्लो है, अगर नेगेटिव आया दैट मीन्स कैश आउटफ्लो है, मतलब जेब से जाएंगे। ओपनिंग बैलेंस कैश का कितना है, तो इतना ड्यूरिंग द ईयर कैश आया, इतना ओपनिंग बैलेंस है, ये आ गया क्लोजिंग बैलेंस। अब अगले साल सारी वर्किंग करने के बाद इतना ड्यूरिंग द ईयर कैश फ्लो आया, जो पिछले साल का मेरा क्लोजिंग बैलेंस था कैश का, वो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बन जाएगा। जो क्लोजिंग बैलेंस पिछले साल का मेरा कैश का था वो नेक्स्ट ईयर ओपनिंग बन जाएगा। ड्यूरिंग द ईयर इतनी ट्रांजैक्शंस हुई, तो नेट मेरे पास इतना कैश ड्यूरिंग द ईयर आया या गया, ओपनिंग इतना था देन क्लोजिंग, फिर नेक्स्ट ईयर का क्लोजिंग ओपनिंग बन जाएगा, क्या ट्रांजैक्शन हुई पूरा साल, एंड पूरे साल के बाद कैश कितना आया। तो लेट्स से मेरे पास आज की डेट में 100 कैश है, देखो इसका एग्जांपल देके बता दो, एग्जांपल से तुम्हें अच्छे समझ आएगा। लेट्स से मेरे पास आज की डेट में है कैश 100। मैंने जब अपना ये बजट बनाया, फोरकास्टिंग करी, उसको देख के मेरे को पता चला कि मेरे पास जो ड्यूरिंग द ईयर कैश आएगा वो आएगा 20। तो कैश मेरे पास था ओपनिंग 100, आया 20, तो क्लोजिंग कितना हो गया 120। अब क्लोजिंग 120 है तो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग भी मेरा हो गया 120। नेक्स्ट ईयर पूरा साल ये ट्रांजैक्शन हुई,
और मैंने देखा कि मेरा कैश आ रहा है 50 नेगेटिव, कि सारी ट्रांजेक्शन करने के बाद मेरी जेब से माइनस 50 जा रहे हैं। कैश था मेरे पास पिछले टाइम का बचा हुआ 120, 50 चले गए, कैश बैलेंस रह गया 70। अब 70 दोबारा नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस। अब ड्यूरिंग द ईयर लेट्स से मैं बोलता हूँ सारी बुकिंग करने के बाद मेरे पास कैश आया 10, पहले कैश था 70, थर्ड पीरियड में मेरे पास कैश आया 10, तो टोटल कैश हो गया 80। अब अगले साल कैश था 80, ड्यूरिंग द ईयर वर्किंग करके मेरे पास कैश आया लेट्स से माइनस 30, कि नेगेटिव 30 मेरे पास कैश है, जैसे 30 गए, ओपनिंग था 80, तो कैश रह गया 50। सो दिस इज़ हाउ आई हैव टू मेक अ परफॉर्मा फॉर फोरकास्टिंग। तो ये परफॉर्मा एक बार देख के अच्छे से याद करो, मुश्किल नहीं है, बिल्कुल सिंपल से है। कैश इनफ्लो, कैश आउटफ्लो, नेट कैश फ्लो। तो ये हो गया नेट कैश फ्लो कितना कितना है, ओपनिंग कितना है, तो कितना मेरे पास क्लोजिंग बैलेंस कैश होना चाहिए। ये तो है कि कितना कैश आएगा जाएगा, ये है मेरा कितना मेरा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश मेरे पास होना चाहिए, विच इज़ रिक्वायर्ड एज पर दी फोरकास्ट। ठीक है, अब यहाँ क्या लिखा हुआ है, एवरी टाइप ऑफ कैश इन्फ्लो एंड रिसीट अलॉन्ग विद देयर टाइमिंग मस्ट बी फोकस। हमें टाइमिंग भी देखनी है कि कैश कब कब आ रहा है। नोट दैट, ये टाइमिंग इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको ध्यान रखना, जब क्वेश्चन करेंगे वहाँ से ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। नोट दैट कैश रिसीट एंड पेमेंट डिफर फ्रॉम सेल्स एंड कॉस्ट ऑफ सेल्स इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बना रहे हैं, हम ये नहीं देख रहे टोटल सेल्स कितनी हो रही है, वी आर कंसर्न अबाउट कैश, कि हमारे पास कैश कितना आ रहा है, कैश रिसीट कितनी है और कैश पेमेंट कितनी है। सो दैट मीन्स अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि डेप्रिसिएशन का हमारा एक्सपेंस है, हम उसको पूरे में यहाँ कहीं कंसिडर ही नहीं करेंगे, बिकॉज डेप्रिसिएशन इज़ अ नॉन कैश एक्सपेंस। हमें सिर्फ देखना है कितना कैश आया, कितना कैश गया। नॉट ऑल कैश रिसीट्स ऑफ पेमेंट अफेक्ट द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ये हमें पता ही है सारा। सम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस आर डिराइव फ्रॉम अकाउंटिंग कन्वेंशन एंड नॉट कैश फ्लो लाइक डेप्रिसिएशन। प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल ऑफ नॉन करंट एसेट ही कैश फ्लो नहीं होता। द टाइमिंग ऑफ कैश रिसीट एंड पेमेंट डू नॉट कोइंसाइड विद द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दैट इज सेल इज रिकग्नाइज इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट व्हेन द इनवॉइस इज रेज्ड, येट कैश पेमेंट फ्रॉम रिसीवेबल मे नॉट बी रिसीव्ड अंटिल द फॉलोइंग पीरियड और लेटर। इसका एग्जाम्पल क्या है, ये वैसे जिन बच्चों ने F5 करा हुआ है और F2 करा हुआ उनको याद आता होगा, बट सिर्फ मैं बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये है 1 month, ये है 2nd month, ये है 3rd month। ठीक है, तो लेट्स से ध्यान से सुना, 1st month में मैंने टोटल सेल करी है 1 lakh की, ठीक है, और ये मेरी क्रेडिट सेल है। और क्वेश्चन में बोला गया है कि जब भी मैं क्रेडिट सेल करता हूँ मुझे 1 महीने बाद पैसे आते हैं। तो क्रेडिट सेल पहले महीने में है 1 lakh, यहाँ पे है 1,50,000, यहाँ पे है 1,20,000। तो देखा जाए जो मेरी सेल है, सेल तो मेरी इतनी होगी, सेल तो मैं ऐसे लिखूँगा कि पहले प्रॉफिट एंड लॉस के लिए कि पहले मंथ में इतनी सेल हुई है, 2nd month में इतनी, 3rd में इतनी। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कैश इनफ्लो की बात करूँ कि कैश कितना आ रहा है, तो मैंने जो सेल करी है क्रेडिट सेल, दिस इज़ 1 month क्रेडिट, तो ये 1 lakh मुझे आएंगे यहाँ पे। तो दैट मीन्स मेरे को जो कैश आएगा वो 2nd month में कैश इनफ्लो आएगा 1 lakh, 3rd month में आएगा 1,50,000 और 4th month में मेरे को आएगा 1,20,000। सो ये कह रहे टाइमिंग, कि टाइमिंग जो हमारी कैश की होती है वो अलग होती है। बेसिकली प्रॉफिट एंड लॉस में जिस साल हम सेल लिखते हैं, इट डज नॉट मीन्स कि कैश रिसीट में भी उसी साल कैश लिखेंगे। हमें देखना है जब कैश आया, कैश इज़ रिसीव्ड आफ्टर 1 month ऑफ क्रेडिट सेल, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो मैं यहीं पे लिखूंगा मेरी क्रेडिट सेल हुई है। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अक्रूअल बेसिस पे चलता है कब कब क्रेडिट सेल हुई है। लेकिन अगर मुझे ये देखना है मेरे पास कैश कब आया है, तो कैश तो इसका आया 1 month बाद, तो 2nd month में मेरे पास इतना कैश आ रहा होगा, ये चीज़ याद रखना। ठीक है, अब इसके बाद एक काम करते हैं, लेट्स डू वन थिंग, सीधा एक क्वेश्चन करते हैं। ये काफ़ी बड़ा और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें हमें निकालना क्या है, इसमें हमें निकालना है कैश फ्लो बनाना है और कैलकुलेट इन्वेंट्री रिसीवेबल पेबल एट द एंड ऑफ 4th month पीरियड। हमें बनाना है यहाँ पे, प्रिपेयर अ मंथली कैश फ्लो फोरकास्ट, यू शुड इंक्लूड बिजनेस परचेज एंड 1st 4 month ऑफ ऑपरेशन इन फॉलोइंग परचेज, के हमें परचेज और 1st 4 month ऑफ ऑपरेशन देख के 4 month का हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट बना के यहाँ पे इनको देना है। कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं, सॉरी, कि कैश फ्लो पोजीशन हमें बना के देने, कितना कैश आया, कितना कैश गया। तो एक काम करते हैं, ये जो क्वेश्चन है लेट्स डू इट इन अ स्प्रेडशीट, क्योंकि स्प्रेडशीट में क्वेश्चन जल्दी भी होगा और कैलकुलेशन मिस्टेक भी नहीं होगी और हम इजीली समझ भी जाएंगे। सो
अब ये तो गाइस हमारा क्वेश्चन है, देखो मैंने इसको स्प्लिट स्क्रीन में ओपन कर लिया, दिस इज माय स्प्रेडशीट। हम ये क्वेश्चन कोशिश करेंगे स्प्रेडशीट में ही सॉल्व करें ताकि तुम्हें क्वेश्चन अच्छे से समझ आ जाए। अब देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, हमें चाहिए होते सबसे पहले, एक तो चाहिए होते हमें कैश इनफ्लो और एक चाहिए हमें कैश आउटफ्लो, हमें चाहिए होता है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ अपने कैश इनफ्लो की, तो लेट्स डू वन थिंग, मेरे को 4 मंथ्स का देखना है हिसाब अपना, तो आई विल राइट यहाँ पे मंथ्स। इसको एक काम करते हैं, इसको मैं इधर लिखता हूँ, हाँ ऐसे करता हूँ, चलो मंथ 1, 2, 3, 4, ठीक है 1, 2, 3, 4 मंथ में 5 भी लिख लेता हूँ कि 5 इन केस अगर चाहिए हो, बाद में देख लेंगे मंथ। अब देखो सबसे पहले मुझे देखना अपना कैश इनफ्लो, कैश इनफ्लो मतलब सेल। सो इन द नियर फ्यूचर अ कंपनी विल परचेज अ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस फॉर दिस, तो ये हमारा कैश आउटफ्लो है कि हमने बिजनेस परचेज करना है। दिस प्राइस इंक्लूड्स गुडविल, इतना इक्विपमेंट, इतना इन्वेंट्री, इतना ठीक है। अ डिलीवरी वैन विल बी परचेज एज सून एज द बिजनेस परचेज इज कम्प्लीट, द डिलीवरी वैन विल बी पेड इन द सेकेंड मंथ ऑफ ऑपरेशन। सेकेंड मंथ में हमने डिलीवरी वैन के लिए भी पे करा है, तो दिस इज ऑल्सो आउटफ्लो, तो मैं लिख देता हूँ, एक तो ये हमारा आउटफ्लो है और एक ये भी हमारा आउटफ्लो है, ये है फर्स्ट मंथ में आउटफ्लो और ये आउटफ्लो है सेकेंड मंथ में। तो मैं एक काम करता हूँ, देखो देखो गाइस मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इनफ्लो, एक सेकेंड गाइस, हाँ तो मैं लिख रहा हूँ इनफ्लो, थोड़ा सा स्पेस छोड़ के आउटफ्लो, ठीक है मैं इनफ्लो और थोड़ा सा स्पेस छोड़ के आउटफ्लो। अब आउटफ्लो में जो जो चीज़ें मुझे पता चलती जा रही है मैं साथ साथ लिखता चला जाऊँगा, मैंने बिजनेस परचेज करा है, सो बिजनेस परचेज, ये काम करते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, चलो बाद में करेंगे। बिजनेस परचेज मैंने फर्स्ट ईयर में करा है कितना, 315, सो 315 ये मेरा आउटफ्लो हो गया। मैं अभी इसको ब्रैकेट में नहीं लिख रहा हूँ, ये मैं ब्रैकेट में बाद में करूँगा जब मैं टोटल इनफ्लो टोटल आउटफ्लो करूँगा। तो ये मेरा आउटफ्लो है पहला, उसके बाद तो कोई आउटफ्लो नहीं है ये वाला, ये इसको 00 क्या लिखना है, इसको छोड़ दो अभी, कोई 00 नहीं लिखते, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट मुझे आउटफ्लो पता है, डिलीवरी वैन मैंने परचेज की है, उसका आउटफ्लो कितना मेरा डिलीवरी वैन का 15,000, बट ये है सेकेंड ईयर में, तो 15,000 सेकेंड ईयर में मेरा आउटफ्लो हो गया। चलो ये हो गया मेरा आउटफ्लो, ये दोनों चीज़ें मैंने देख ली। दी फॉलोइंग फोरकास्ट हैव बीन मेड फॉर द फॉलोइंग परचेजेस, परचेजेस के बारे में क्या फोरकास्ट है, पहला सेल्स बिफोर डिस्काउंट फॉर द बिजनेस ऑफ अ सिंगल प्रोडक्ट एट अ मार्कअप ऑफ 60% ऑफ द प्रोडक्शन विल बी, हमें बताया हुआ है कि ये है हमारी सेल्स, ध्यान से सुनना, ये हमें बताई हुई है टोटल सेल, ठीक है, एट अ मार्कअप ऑफ 60% ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट, कि जो सेलिंग प्राइस है हमारा वो जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उसमें 60% मार्कअप करके बने, कि जो सेलिंग प्राइस है हमारा वो प्रोडक्शन कॉस्ट में 50% मार्कअप करके बना। तो मैं थोड़ा नीचे कर लेता हूँ, वो थोड़ा बेटर रहेगा यहाँ से, कि सारी चीज़ें इसमें कवर हो जाएंगी। तो सबसे पहली चीज़ हमें बताई हुई है कि सेलिंग प्राइस जो हमारा है, जो सेलिंग प्राइस है दैट इज़ कॉस्ट पे 60% मार्कअप, ओके। अब ये हमें बताई हुई है टोटल सेल्स 96, 96, 92, 96, 100 एंड 104, 25% ऑफ द सेल्स विल बी फॉर कैश, मतलब 25% ऑफ सेल्स कैश में होंगी एंड द रिमाइंडर विल बी ऑन क्रेडिट, 25% कैश सेल है एंड रिमाइंडर विल बी ऑन क्रेडिट फॉर सेटलमेंट इन द मंथ फॉलोइंग दैट सेल, के जो क्रेडिट सेल है वो 1 मंथ का क्रेडिट है कि फॉलोइंग मंथ मतलब नेक्स्ट मंथ में उसके पैसे हमें आ जाएंगे। अ डिस्काउंट ऑफ 10% विल बी गिवन टू सिलेक्टेड क्रेडिट कस्टमर्स हु रिप्रेजेंट 25% ऑफ द ग्रॉस सेल, मतलब जो टोटल सेल हमारी है उसके 25% बंदों को हमें 10% क्या देना है, डिस्काउंट देना है। सो दैट मीन्स जो पहली चीज़ हमें यहाँ पे निकालनी है वो हमें क्या निकालनी है, पहली चीज़ हमें यहाँ पे निकालनी है टोटल कैश इनफ्लो। तो सबसे पहले कैश इनफ्लो निकालते हैं, तो लेट्स डू वन थिंग, मैं नीचे अपना कैश इनफ्लो में ये देखता हूँ, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम रिसीवेबल्स, क्योंकि कैश इनफ्लो कहाँ से होगा, जो रिसीवेबल में पैसे आते हैं, या टोटल में लिखता हूँ यहाँ पे, चलो इनफ्लो, इनफ्लो का मैं बनाता हूँ वर्किंग नोट, तो इनफ्लो का मैंने बनाया वर्किंग नोट, तो दिस इज इनफ्लो वर्किंग नोट 1, ये वर्किंग नोट बना है मेरा इनफ्लो का,
ये मैंने मंथ्स यहाँ पे लिखी हुई है, तो मंथ्स को मैं नहीं छेड़ रहा हूँ। तो मेरी देखो यहाँ पे सेल कितनी है, पहले मैं लिखी सेल, दिस इज 96,000, तो पहले ही है 96,000, देन दूसरी भी 96,000, इसके बाद है 92,000, उसके बाद है मेरी 96,000, उसके बाद है मेरी 104,000। तो ये फोरकास्ट है मेरा कि मेरी 104,000 ये है मेरी टोटल सेल। अब देखो इसमें से मेरे पास कैश सेल कितनी है। अब कैश सेल जो है दैट इज़ 25% ऑफ टोटल सेल, तो मतलब इज इक्वल टू दिस इनटू 25%, ये हो गई मेरी कैश सेल। कंट्रोल सी, इसको किया मैंने कॉपी और कंट्रोल वी। सो ये तो मेरी हो गई सारी कैश सेल। तो कैश सेल मतलब एक तो मेरा जो इनफ्लो है, एक तो ये मेरा इनफ्लो हो गया, एक तो ये मेरा इनफ्लो है। अब क्रेडिट कितनी रहेगी, क्रेडिट सेल, क्रेडिट सेल मेरी होगी यहाँ पे देखो, कैश सेल मतलब वो इनफ्लो हो गया, क्रेडिट सेल मेरी होगी यहाँ पे इज इक्वल टू दिस इनटू 75%, ये मेरी होगी क्रेडिट सेल। कॉपी, सब में पेस्ट, ठीक है, ये मेरी होगी क्रेडिट सेल। अब क्रेडिट सेल के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि जब हमारी क्रेडिट सेल होती है उसके नेक्स्ट मंथ में हमें अमाउंट आता है, तो अमाउंट हमें ये जो 72,000 यहाँ पे आए होंगे, सो दैट मीन्स इज इक्वल टू दिस, तो ये फॉर्मूला लगा दिया कंट्रोल सी और आगे यहाँ पे कंट्रोल वी, पेस करता चला गया। दैट मीन्स अब मेरा जो इनफ्लो होगा, एक तो मेरा इनफ्लो ये हो गया, मैं इसको लिख देता हूँ कैश सेल इनफ्लो, ठीक है, और एक मेरा हो गया क्रेडिट सेल इनफ्लो। कि कैश सेल से मेरा इनफ्लो, मैं आई लिख देता हूँ, कैश सेल से मेरा इनफ्लो ये हुआ है, क्रेडिट सेल से मेरा इनफ्लो ये हुआ है, और यहाँ पे मेरा एक डिस्काउंट भी मैंने दिया है। डिस्काउंट, डिस्काउंट मैंने क्या किया था, अब डिस्काउंट के बारे में क्या बताया हुआ गाइस, अ डिस्काउंट ऑफ 10% विल बी गिवन टू सिलेक्टेड क्रेडिट कस्टमर्स, के क्रेडिट कस्टमर्स को डिस्काउंट मिलेगा, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है गाइस, क्रेडिट कस्टमर्स को डिस्काउंट मिलेगा हु रिप्रेजेंट 25% ऑफ ग्रॉस सेल्स, कि बेसिकली जो हमारी ग्रॉस सेल थी उसके 25% वाले क्रेडिट कस्टमर जो हैं, जो ये ग्रॉस सेल थी इसके 25% वाले जो क्रेडिट कस्टमर हैं उनको हम 10% डिस्काउंट देंगे। दैट मीन्स जब इन क्रेडिट कस्टमर से पैसे आएंगे, मतलब यहाँ पे हमें पैसे आएंगे, तो इसमें हमें डिस्काउंट मिलेगा। अब डिस्काउंट देखो यहाँ पे क्या होगा, ध्यान से देखना, इज इक्वल टू इस साल, मतलब ये फर्स्ट मंथ है, सेकंड मंथ में आके, ध्यान से सुनना, सेकंड मंथ में आके मैं उनको डिस्काउंट दूंगा, क्योंकि डिस्काउंट इज गिवन टू द क्रेडिट कस्टमर, इसमें लिखा हुआ है डिस्काउंट क्रेडिट कस्टमर को दिया है जो 25% सेल के हैं। तो सेल के देखा जाए, कैश सेल है 25%, रिमेनिंग 50% है क्रेडिट सेल, तो 50% में से जो 25% है उनको हम डिस्काउंट दे रहे हैं। सो ध्यान से, टोटल सेल हमारी इतनी है इनटू 25%, इसमें से जो 25% वाले थे उनको इनटू 10% हम दे रहे हैं डिस्काउंट। तो इन जो टोटल सेल थी, इसमें से जो मेरे 25% वाले क्रेडिट सेल कस्टमर थे उनको मैं 10% का डिस्काउंट दूंगा। एंटर, ये आ गया। अब मैं काम करता हूँ यहाँ पे, इसको मैं माइनस में कर देता हूँ, इसको मैं माइनस कर देता हूँ, इसको दोबारा से लिखता हूँ, फॉर्मूला इज इक्वल टू माइनस ब्रैकेट स्टार्ट सेल इनटू 25% इनटू 10% और ब्रैकेट क्लोज। एंटर, ये हो गया माइनस में, कंट्रोल सी और ये हो गया कंट्रोल वी, पेस्ट, ठीक है। तो ये मेरा आ गया टोटल जो मेरे पास डिस्काउंट आएगा। सो अगर मैं बोलूं नेट इनफ्लो, नेट इनफ्लो कितना आएगा मेरा, यहाँ पे देखो गाइस, नेट इनफ्लो का फॉर्मूला होगा कैश सेल प्लस इनफ्लो वाली प्लस क्रेडिट सेल इनफ्लो प्लस डिस्काउंट। अब डिस्काउंट में प्लस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये मैंने फिगर ऑलरेडी नेगेटिव में लिखी हुई है, अगर मैं दिस प्लस दिस करूँगा तो ऑटोमेटिकली वो यहाँ से माइनस हो जाएगा, तो इसलिए मैं इसको यहाँ पे फॉर्मूले में प्लस लिख रहा हूँ, बट प्रेजेंटेशन में ये माइनस हो रहा है क्योंकि डिस्काउंट माइनस होता है। एंटर, कंट्रोल सी, यहाँ किया कंट्रोल वी, ये देखो ये मेरा टोटल इनफ्लो आ गया। कैसे टोटल इनफ्लो जो मेरे को आएगा, ठीक है। अब एक काम करता हूँ मैं, देखो यहाँ पे क्या करूँगा, इनफ्लो मैंने लिखा, इनफ्लो फ्रॉम
सेल, सेल से टोटल कैश कितना आया, इज इक्वल टू, मैंने यहाँ लिखनी नहीं है वैल्यू, मैंने इज इक्वल टू करके नेट जो मेरा आंसर आया था इसको एंटर दबा दिया और उसको कंट्रोल सी और आगे पेस्ट कर दिया। ये लो, मेरे को चार मंथ का ही चाहिए तो फिफ्थ सिक्स की तो वैसे ही ज़रूरत नहीं है। ये लो, ये मेरा आ गया टोटल कैश इनफ्लो फ्रॉम सेल। तो सेल वाला पार्ट मेरा यहाँ से हो गया ख़त्म। सिंपल है गाइस, वर्किंग नोट मैंने बना दिया कि सेल से मुझे टोटल इनफ्लो कैसे आया, वो मैंने यहाँ पे करके दिखा दिया। तो इस तरह से तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करना है, वर्किंग नोट बनाते चले जाना है ताकि जो तुम्हारा टीचर है उसको पता हो कि तुमने आंसर निकाला कैसे। ठीक है, आंसर तो कोई भी निकाल दे लेकिन आंसर निकाला कैसे है वो भी हमें अच्छे से पता होना चाहिए। चलो अब आता है हमारा नेक्स्ट पार्ट। सो नेक्स्ट पार्ट इज, अब आता है हमारा इनफ्लो के बाद, अब है प्रोडक्शन कॉस्ट विल बी 5 पर यूनिट, द प्रोडक्शन कॉस्ट विल बी मेड अप ऑफ दीज। अभी प्रोडक्शन कॉस्ट इतनी है। अच्छा देखो, हमें टोटल सेल वैल्यू पता है। क्या पता है हमें? टोटल सेल वैल्यू के इतनी इतनी हमारी सेल वैल्यू है। हमें पता है कि प्रोडक्शन कॉस्ट इज 5 पर यूनिट। प्रोडक्शन कॉस्ट 5 पर यूनिट है तो प्रोडक्शन कॉस्ट प्लस, हमने क्या पढ़ा था, सेलिंग प्राइस इज कॉस्ट प्लस 60%। तो प्रोडक्शन कॉस्ट प्लस 60% यानी 5 × 60% विच इज़ 3। तो सेलिंग प्राइस वॉज 8, तो सेलिंग प्राइस हमारा 8 आया था। कैसे आया 8? कि 5 हमारा है प्रोडक्शन कॉस्ट, 5 हमारा है प्रोडक्शन कॉस्ट प्लस 60% हमारा, प्लस 3 रुपीज़ जो हमारा है प्रॉफिट। प्रॉफिट कैसे आया, इसमें क्या लिखा हुआ है कि टोटल जो हमारी वैल्यू है, हमने ऊपर पढ़ा हुआ है, सेल ऑफ द बिजनेस एट मार्कअप ऑफ 60% ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट, के प्रोडक्शन कॉस्ट में 60% मार्कअप करके हमारी सेल वैल्यू बनी थी। तो अब तुम कहोगे सेल प्राइस का यूज़ क्या है, अभी मैं तुम्हें करके बताऊंगा। ठीक है, ये क्लियर है गाइस? अब देखो, अब हम बात करते हैं अपने परचेजेस की। तो इनफ्लो हो गया वर्किंग नोट 1, अब आता है परचेजेस वर्किंग नोट 2। अब मैं बात करूंगा वर्किंग नोट 2 परचेजेस की। तो परचेजेस में मैं पहले लिखता हूँ अपनी सेल वैल्यू। देखो सेल वैल्यू जो मेरी है, टोटल सेल वैल्यू, मैं इसी को कॉपी कर रहा हूँ, कंट्रोल सी। एक्चुअली थोड़ा सा दो दो चीज़ें एक साथ करनी थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती है, बट तुम्हारे लिए गाइस मैं करूँगा, जी जान से करूँगा। ये आ गई मेरी टोटल सेल वैल्यू। अब सेल वैल्यू में अगर, अब मुझे देखो यहाँ पे हर चीज़ यूनिट्स में बताई हुई है कि इतने यूनिट्स वगैरह। सो दैट मीन्स मेरे को पहले देखना पड़ेगा कि टोटल यूनिट्स प्रोड्यूस कितने हों, टोटल यूनिट्स प्रोड्यूस कितने हों। तो प्रोडक्शन के लिए मुझे पहले देखना पड़ेगा टोटल यूनिट सेल कितने हुए थे। सेलिंग प्राइस मैंने निकाला है 8, तो दैट मीन्स यूनिट सोल्ड कितने होंगे मेरे, इज इक्वल टू दिस डिवाइड बाय 8। सो ये मेरे होंगे टोटल यूनिट सोल्ड, कंट्रोल सी, ये आगे कंट्रोल वी, मतलब इतने यूनिट्स जो थे ये मैंने क्या करे थे, सेल। ये मैंने यूनिट्स क्या करे थे, सेल। ठीक है गाइज, यूनिट्स पता लग गए सेल हुए। अब गाइज अगर मुझे देखना है कि मैंने यूनिट्स प्रोड्यूस कितने करने हैं, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, कितने सेल करे प्लस कितने क्लोजिंग स्टॉक थे माइनस ओपनिंग। ये फॉर्मूला याद रखना, ये नॉर्मली हमने फॉर्मूला सारा F7 में, F5 में या F2 में करा हुआ है। अगर मुझे देखना है कि मैंने टोटल यूनिट्स कितने प्रोड्यूस करे, कैसे पता चलेगा, जितने मैंने सेल कर दी चले गए और जितने मैंने क्लोजिंग में अपने पास रखे हुए थे माइनस जो मेरे पास पहले पड़े थे, तो उतने नए मैंने प्रोड्यूस किए होंगे। कि अगर मेरे पास 100 यूनिट्स पहले रखे थे और मैंने 80 अभी भी मेरे पास पड़े, ध्यान से सुनना, ये मेरे पास ओपनिंग थे, 80 मेरे पास अभी भी पड़े हैं और मैंने 150 सेल कर दिए, 150 यूनिट्स मैंने सेल कर दिए, 80 मेरे पास अभी भी पड़े हैं, ओपनिंग थे 100, तो ओपनिंग 100 में से 80 पड़े हैं, मतलब 20 सेल कर दिए होंगे, मतलब 20 ओपनिंग वाले में से सेल कर दिए होंगे, 100 में से 80 अभी भी बचे हुए हैं तो इसमें से 20 चले गए, तो 20 मेरे चले गए, 150 मैंने सेल किए थे, दैट मीन्स टोटल मैंने 130 परचेज किए होंगे। सिंपल सी बात है ना, मेरे पास 100 यूनिट्स है, 80 पड़े हैं, तो मतलब 20 इसमें से सेल कर दिए, ओके, टोटल सेल मेरी पता है 150, तो 150 टोटल सेल है जिसमें से 20 तो ओपनिंग वाले हैं, तो 130 मैंने नए परचेज करे होंगे। या दूसरा फॉर्मूला, सेल 150 प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, सो ये भी आ जाएगा मेरा 130। तो ये फॉर्मूला याद रखना, इससे मुझे पता चल जाएगा कि मैंने यूनिट्स कितने प्रोड्यूस करे। तो यूनिट सोल पता चल गए, चल ये हो गया। आगे प्रोडक्शन विल बी अरेंज सो दैट क्लोजिंग इन्वेंट्री एट द एंड ऑफ एनी मंथ इज सफिशियंट टू मीट सेल्स रिक्वायरमेंट ऑफ द फॉलोइंग मंथ। क्या बोला
कि क्लोजिंग स्टॉक जो मुझे रखना है, ध्यान से सुनना गाइस, क्लोजिंग स्टॉक जो मुझे अपना रखना है वो इतना रखना है ताकि अगले महीने की सेल, क्लोजिंग स्टॉक मुझे इतना रखना है ताकि अगले महीने की जो सेल है उतने यूनिट्स मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक में हो। तो यूनिट सोल्ड इतना था, क्लोजिंग स्टॉक मुझे बोला गया है, क्लोजिंग स्टॉक मुझे इतना रखना है जितनी मेरी अगले महीने सेल है, तो इज इक्वल टू अगले महीने मेरी इतनी सेल है तो क्लोजिंग स्टॉक इस मंथ मेरे पास इतना होना चाहिए, इस मंथ मेरे पास इतना क्लोजिंग स्टॉक होना चाहिए जितना अगले महीने सेल करना है। क्लोजिंग इन्वेंट्री एट द एंड ऑफ एनी मंथ इज सफिशिएंट टू मीट सेल रिक्वायरमेंट ऑफ द नेक्स्ट मंथ। ठीक है, तो बस इसको कॉपी करा और यहाँ सब में पेस्ट कर दिया, ठीक है ना, सिंपल। अब आगे क्या बोला हुआ है, अ वैल्यू ऑफ 30,000 इज प्लेस इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, अ वैल्यू ऑफ 30,000 इज प्लेस इन द इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स वॉज एक्वायर्ड फॉर ऑन परचेज ऑफ बिजनेस, दिस वैल्यूएशन इज बेस्ड ऑन, एक सेकेंड गाइस, इसमें क्या लिखा हुआ है गाइस, एक सेकेंड, जो लिखा हुआ है ना इसमें से सारा हट जाएगा, ठीक है, सारा हट जाएगा और ये हट गया है क्योंकि मेरे को थोड़ा सा नीचे करना था, ऊपर वाला पार्ट हमारा हो गया तो उसको देखना नहीं है, अब हमें इस पे ध्यान रखना है। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, वैल्यू ऑफ 30,000 इज प्लेस्ड ऑन द इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स विच वॉज एक्वायर्ड ऑन फॉर द परचेज ऑफ बिजनेस, दिस वैल्यूएशन इज बेस्ड ऑन फोरकास्ट प्रोडक्शन ऑफ गिवन ऑन कॉस्ट ऑफ टू अबव, हमने इतनी वैल्यू के गुड्स अपने पास स्टॉक में रखे हुए थे, ध्यान सुनना, अ वैल्यू ऑफ 30,000 इज प्लेस इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, मतलब इतना स्टॉक हमने अपने पास रखा हुआ था, क्या बोला हमने, इतना स्टॉक हमने अपने पास रखा हुआ था, ठीक है, इतना स्टॉक हमने अपने पास रखा हुआ था। तो स्टॉक हमारे पास कितना होगा, 30,000 की हमारी, 30,000 की हमारी वैल्यू थी, प्रोडक्शन कॉस्ट वॉज 5, सो डिवाइड बाई 5 दैट मीन्स 6,000 का मेरे पास आ गया ओपनिंग स्टॉक, दैट मीन्स 6,000 का मेरे पास आ गया ओपनिंग स्टॉक। अब देखो, अब क्लोजिंग स्टॉक यहां मैं लिखूंगा, अब ओपनिंग स्टॉक, अब ओपनिंग स्टॉक मेरे पास कितना होगा, 6,000 का मेरे पास था ओपनिंग स्टॉक। अब तुम कहोगे सर इस साल का तो ओपनिंग स्टॉक हमें पता चल गया, नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक, भाई नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक क्या होगा जो अगले साल का क्लोजिंग स्टॉक है, ओ सॉरी, जो पिछले मंथ का क्लोजिंग नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बन जाएगा, पिछले मंथ का क्लोजिंग नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग, सो इज इक्वल टू दिस, पिछले मंथ का क्लोजिंग नेक्स्ट मंथ का ओपनिंग, कंट्रोल सी, और इसको मैंने करता चला गया पेस्ट, कंट्रोल वी, ठीक है। हमें वैसे 4 मंथ का ही देखना है, इसको मैं देख नहीं रहा हूँ अभी, ये सिर्फ जो वैल्यू आ रही है इसको यू कैन स्किप, ठीक है, मैंने एक्स्ट्रा वैसे ही रखा हुआ है कि अगर जैसे इस फिगर का यूज़ था तो दैट्स वाई मैं हमेशा एडिशनल मंथ लेके चलता हूँ, ठीक है। सो ओपनिंग स्टॉक मुझे दिया हुआ है कि $30,000 के स्टॉक हमारे पास पड़े हुए थे फिनिश गुड्स के, तो प्रोडक्शन कॉस्ट है 5 पर यूनिट, तो क्लोजिंग ओपनिंग स्टॉक हमारे पास 6,000 था, और अगले साल का ओपनिंग स्टॉक विल बी पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक, तो पिछले साल का क्लोजिंग नेक्स्ट टाइम का ओपनिंग, और क्लोजिंग स्टॉक कैसे आया था वो मैं क्वेश्चन में ऑलरेडी बताया हुआ है, ये चीज़ क्लियर है गाइस। एक काम करता हूँ छोटा सा, क्या मैं ना इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ये हाँ ये थोड़ा सा बेटर रहेगा तुम्हें ना, इसमें बायफोकेशन ईजी हो जाएगी थोड़ी, ठीक है। तो ओपनिंग स्टॉक पता चल गया, सो दैट मीन्स अगर अब मुझे निकालने यहाँ पे परचेजेस नेट परचेज कितने के, मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, सेल्स यूनिट सोल्ड प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, तो ये मेरी आगे टोटल सेल्स, कंट्रोल सी, और यहाँ मैं कर गया कंट्रोल वी पेस्ट, ये मेरी आगे टोटल कितनी होगी प्रोडक्शन के, इतने यूनिट्स मैंने प्रोड्यूस करे होंगे, परचेज या प्रोडक्शन लगा लो, चलो प्रोडक्शन, इतने मैंने यूनिट्स क्या करे होंगे प्रोड्यूस, इतने यूनिट्स मैंने क्या करें प्रोड्यूस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब इसके बाद आता है हमारा गाइस, ध्यान से सुनना, अब आता है हमारा रॉ मटेरियल यूजेज, अब रॉ मटेरियल हमारी जो कॉस्ट है दैट इज 250, तो मेरा आउटफ्लो, पहला आउटफ्लो क्या होगा यहाँ पे, पहला आउटफ्लो मैं लिख देता हूँ, पहला आउटफ्लो रॉ मटेरियल परचेज, तो ये मेरा होगा पहला आउटफ्लो, रॉ मटेरियल परचेज कितना होगा, जितने यूनिट्स मैंने प्रोड्यूस करे हैं इनटू रॉ मटेरियल कॉस्ट दैट इज 2.5, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, सो ये हो गया मेरा रॉ मटेरियल जो मैंने परचेज किया है, क्लियर है गाइस, बिल्कुल मुश्किल नहीं है।
सो गाइज ये रॉ मटेरियल परचेज मैंने लिखा है, बट इज दिस इज नॉट रॉ मटेरियल परचेज, दिस इज रॉ मटेरियल यूज, कि रॉ मटेरियल प्रोडक्शन में कितना यूज हुआ है, ये क्यों हुआ ये मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। सो दिस इज आर एम यूज, अभी इसको मैं आउटफ्लो नहीं बोलूंगा, क्यों अभी देखना। अब रॉ मटेरियल के बारे में भी क्या लिखा हुआ है, यहाँ कुछ पढ़ लिखा हुआ है इसीलिए मैं बता रहा हूँ। सिंगल रॉ मटेरियल विल बी परचेज सो दैट इन्वेंट्री एट द एंड ऑफ द मंथ इज सफिशेंट टू मीट हाफ ऑफ द फॉलोइंग मंथ्स प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट, कि हमारे जो रॉ मटेरियल है हमारे पास इतना होना चाहिए, तो क्लोजिंग रॉ मटेरियल हमारे पास इतना होना चाहिए अगले महीने जितनी भी हमारी प्रोडक्शन हो रही है उसका हाफ, अगले महीने जितनी भी हमारी प्रोडक्शन हो रही है उसका हाफ रॉ मटेरियल हमारे पास होना चाहिए। सो दैट मीन्स यहाँ पे अगर मैं बोलूँगा क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग RM, सो क्लोजिंग रॉ मटेरियल मेरे पास कितना होना चाहिए, अगले महीने का जितना मेरे टोटल प्रोडक्शन है उसका हाफ, दैट मीन्स 50% इतना मेरे पास रॉ मटेरियल होना चाहिए। तो कंट्रोल सी कॉपी, और इसको भी मैं करता चला गया पेस्ट। अच्छा मुझे यहाँ पे एक गड़बड़ हो गई क्या, कि मुझे यहाँ पे ये भी चाहिए, इधर ये वाली फिगर भी चाहिए, क्योंकि क्लोजिंग रॉ मटेरियल के मुझे ये प्रोडक्शन चाहिए। ओके क्लोजिंग स्टॉक, यहाँ क्लोजिंग स्टॉक कितना है 13,000, मैं ये आएगा 12,500, मैं अभी लिख रहा हूँ कैसे आएगा, बस तुम आगे का जब कैलकुलेट कर दोगे ऑटोमेटिकली फिगर आ जाएगी। सो कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ये तो 4 मंथ का मेरा क्लोजिंग स्टॉक आ गया। क्लोजिंग रॉ मटेरियल कितना होना चाहिए, अगले मंथ जितने गुड्स हमारे प्रोड्यूस होंगे उसका 50% क्लोजिंग स्टॉक होना चाहिए। ठीक है, अब ऐसे ही ओपनिंग स्टॉक के बारे में भी कुछ लिखा होगा, ओपनिंग रॉ मटेरियल देखते हैं क्या लिखा हुआ है। सो ओपनिंग रॉ मटेरियल के बारे में लिखा हुआ है, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री एक्वायर्ड ऑन द परचेज ऑफ बिजनेस, 15,000 की हमारे पास ओपनिंग रॉ मटेरियल थी, रॉ मटेरियल की कॉस्ट थी 2.50, दैट मीन्स 15,000 डिवाइड बाई 2.5, तो 6,000 का, अच्छा सॉरी, ये फिगर्स जो हैं ये मैंने जो लिखा है रॉ मटेरियल यूज, ये मैंने प्रोडक्शन इन टू रॉ मटेरियल कॉस्ट से करा है, सो ये मेरी रॉ मटेरियल की कॉस्ट इन डॉलर्स है, तो ये फिगर्स मेरी जो सारी है वो डॉलर में। तो ओपनिंग रॉ मटेरियल मुझे बताया हुआ कितना है मेरे पास 15,000, तो 15,000 मेरे पास है ओपनिंग रॉ मटेरियल। अब नेक्स्ट ईयर का, नेक्स्ट मंथ का ओपनिंग रॉ मटेरियल कितना होगा, जो पिछले मंथ का क्लोजिंग था, तो इज इक्वल टू दिस, अब इसको भी मैंने कर लिया कंट्रोल सी और यहाँ पे पेस्ट। ठीक है ना, तो मेरे पास क्लोजिंग आ गया, ओपनिंग आ गया, अब मैं यहाँ पे निकाल दूंगा रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल परचेज, ये मेरा होगा आउटफ्लो, रॉ मटेरियल परचेज विल बी माय आउटफ्लो। अब रॉ मटेरियल परचेज कितना आएगा, सेम जो फॉर्मूला ऊपर था, रॉ मटेरियल यूज्ड कितना यूज हुआ प्लस क्लोजिंग कितना था माइनस ओपनिंग, रॉ मटेरियल यूज कितना हुआ प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, दैट मीन्स इतना रॉ मटेरियल मैंने परचेज करा होगा, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, तो 4 मंथ का मेरा रॉ मटेरियल परचेज आ गया। यहाँ पे मैं इसको फिगर को बोल्ड कर देता हूँ, सो दिस इज कंट्रोल बी, ये मेरी पहली फिगर आ गई, ऊपर हमारी ये फिगर आई थी, तो रॉ मटेरियल परचेज मेरा ये वाली फिगर आ गई। तो मेरे को सिर्फ 4 मंथ की चाहिए, तो मैं 4 मंथ की देखूंगा, 5 मंथ की भी मैं वैल्यू डालूंगा ही। ठीक है, सो दिस इज माई रॉ मटेरियल परचेज जो मुझे चाहिए। अब यहां पे क्या लिखा हुआ है, एक चीज और, रॉ मटेरियल विल बी परचेस्ड ऑन 1 मंथ क्रेडिट, मतलब मैं रॉ मटेरियल जो परचेज करूंगा वो क्रेडिट पे, उधारी पे परचेज करूंगा। सो दिस मींस मेरा जो रॉ मटेरियल एक्चुअली परचेज आएगा, मैं इसको बोल्ड नहीं करता, ये तो मेरा रॉ मटेरियल परचेज हुआ है, सो दैट मींस पेमेंट फॉर रॉ मटेरियल दैट इज आउटफ्लो, ये मेरा आउटफ्लो नहीं है, इसमें से मैं 0 ये हटा देना, आउटफ्लो जो एक्चुअल होगा मेरा ये तो है रॉ मटेरियल मैंने इतना परचेज करा है, बट हम देख रहे हैं कैश आउटफ्लो की, कैश पेमेंट कब होगी, इस आउटफ्लो की पेमेंट होगी, इस रॉ मटेरियल की पेमेंट होगी नेक्स्ट मंथ में। सो दैट मींस इज इक्वल टू दिस कंट्रोल सी और लास्ट तक कंट्रोल वी, सो ये आएगा मेरा एक्चुअल आउटफ्लो, दिस विल बी माय एक्चुअल आउटफ्लो, कि रॉ मटेरियल मैंने कितना परचेज करा है और उसकी पेमेंट मैंने कब करी है। तो याद रखना गाइस, दिस इज हाउ आई विल कैलकुलेट रॉ मटेरियल का परचेज। तो काफ़ी लंबी कैलकुलेशन है, सेल्स यूनिट से मैंने निकाले प्रोडक्शन, प्रोडक्शन से मैंने निकाला कितना रॉ मटेरियल मैंने परचेज किया है और कब मैंने पेमेंट करी है। अब सिंपल
इज इक्वल टू ये फिगर मैं लगाता हूँ ऊपर कहाँ पे आउटफ्लो में, मैं यहाँ डाल देता हूँ एंटर, अरे इसको मैं यहाँ लिख दूँ परचेजेस पेमेंट फॉर पेमेंट फॉर रॉ मटेरियल इज इक्वल टू ये, अच्छा सॉरी गाइस वो फॉर्मूला थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, मैंने गलत फॉर्मूला लगा दिया गाइस, मैं उसको ठीक करता हूँ रुको पहले, ये मैंने लगा दिया फॉर्मूला अपना। अब मैं ऊपर लगाता हूँ परचेजेस, मैंने कंट्रोल जेड करके एक्चुअली जो गलती करती थी वो मैंने हटा के कंट्रोल जेड कर दिया कि प्रीवियस पेज पे मैं आ जाऊँ जो प्रीवियसली मैंने काम करा था। सो पेमेंट फॉर रॉ मटेरियल इट विल बी इज इक्वल टू, जो मैंने पेमेंट करी रॉ मटेरियल की, पहले मैंने तो कुछ भी पेमेंट नहीं करी थी क्योंकि पेमेंट तो अगले महीने से शुरू हो रही है, तो यहाँ मैंने कर दिया कंट्रोल भी। वो देखो नीचे से फॉर्मूला ऑटोमेटिकली उठ के आ गया। अब अगर नीचे मैं कोई भी फिगर चेंज करूँगा ना ये ऑटोमेटिकली चेंज होती चली जाएगी बिकॉज ये सारी उससे लिंक्ड है। ये देखो यहाँ सब में फॉर्मूला लगा हुआ है, अगर नीचे कोई भी चेंज हुआ ना इस पूरे में कोई भी चेंज हुआ ना ये भी फिगर चेंज हो जाएगी, और वो भी मैं करके दिखाता हूँ तुम्हें। देखो जैसे मान लो ये 12,000 जस्ट एन एग्जाम्पल, एक काम करता है ये 96,000 है ना, इस 96,000 को मैं काम करता हूँ, मैं इस 96,000 को लेट से 80,000 कर देता हूँ, देखना सब कुछ कैसे चेंज हो जाएगा, सारी फिगर चेंज होगी गाइस। देखो 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 देखा कैसे चेंज हो गया, कंट्रोल वाई मैंने 80,000 करा, देखो सारी फिगर चेंज होगी, यहाँ आ रहा है 39375 और वहाँ ऊपर भी अब देखो 39375 आ गया, ठीक है ना। तो हमें तो ये कर रहा ही नहीं, हमें तो 96 ही चाहिए। ये लो तो ये हो गया मेरा वर्किंग नोट रॉ मटेरियल परचेज का। अब परचेज वाला काम हो गया, ये हो गया मेरा, ये हो गया। अब नेक्स्ट इज डायरेक्ट लेबर इज 1.50 और फिक्स ओवरहेड इज 1, याद रखेंगे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे डायरेक्ट लेबर इज 1.50 और फिक्स ओवरहेड इज 1। तो कॉस्ट ऑफ लेबर विल बी मेट एज दे आर इनकर्ड इन प्रोडक्शन, के प्रोडक्शन में जो भी हमारी इनकर हुई है कॉस्ट, एक सेकेंड गाइस एक सेकेंड, थोड़ा सा 1.501 आई विल जस्ट राइट 1.50 लेबर और 1 है फिक्स ओवरहेड, ठीक है। अब देखो अब यहाँ पे लेबर लेबर कॉस्ट, अब लेबर पेमेंट, अब गाइस लेबर की पेमेंट क्या होगी, लेबर की पेमेंट यहाँ पे बोला गया है, साफ साफ हमें बोला गया है कि लेबर पेमेंट जो हमारी है, लेबर पेमेंट इज 1.50, द कॉस्ट ऑफ लेबर पेमेंट विल बी मेट एज दे आर इनकर्ड इन प्रोडक्शन, प्रोडक्शन में जैसे ही हमारी लेबर यूज हुई साथ ही हमने उनको पेमेंट कर दी। अब देखो हमारे टोटल प्रोडक्शन कितनी है, हमने यहाँ से निकाली थी टोटल प्रोडक्शन 18,000, टोटल प्रोडक्शन इज 18,000, तो मैंने सिंपल क्या किया यहाँ पे ऊपर लेबर में लिख दिया लेबर पेमेंट इज इक्वल टू जो भी हमारी प्रोडक्शन हुई थी टोटल प्रोडक्शन इंटू 1.5, ये आ गया मेरा लेबर कॉस्ट, कंट्रोल सी और इसको कर दिया मैंने पूरे में कंट्रोल भी, तो सिंपल ये आ गई मेरी लेबर कॉस्ट। कैसे लेबर कॉस्ट है, जितनी भी प्रोडक्शन हुई है उसका $1.5 है लेबर कॉस्ट और वो हमने उसी मंथ पे कर दिया, इसमें लिखा हुआ है कॉस्ट ऑफ लेबर जो डायरेक्ट लेबर है उसी मंथ पे कर दिया है, सो लेबर कॉस्ट उसी मंथ पे होगी, ये भी मेरा आउटफ्लो है। अब आता है फिक्स्ड ओवरहेड रेट एट $1 इज बेस्ड अपॉन अ फोरकास्ट ऑफ फर्स्ट ईयर्स प्रोडक्शन ऑफ 150,000 यूनिट्स, दिस रेट इंक्लूड्स डेप्रिसिएशन ऑफ इक्विपमेंट एंड फिटिंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन बेसिस फॉर नेक्स्ट 5 years, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड इज पेड इन 1 month इनकर्ड, उसी मंथ हम पे इज पेड इन द मंथ इनकर्ड, इसी मंथ हम पे करते हैं। अब देखो फिक्स कॉस्ट जो हमें बताई हुई है टोटल फिक्स कॉस्ट ध्यान से पढ़ेंगे, सो फिक्स कॉस्ट इज द फर्स्ट प्रोडक्शन, द फिक्स प्रोडक्शन रेट इज $1 पर यूनिट इज बेस्ड अपॉन अ फोरकास्ट ऑफ फर्स्ट ईयर्स प्रोडक्शन ऑफ 150,000, हमारा फोरकास्ट है कि हम पूरे साल में 150,000 यूनिट सेल करेंगे, दैट मीन्स जो हमारी फिक्स कॉस्ट है वो कितनी होगी $150,000 पूरे साल की, ठीक है। दिस रेट इंक्लूड्स डेप्रिसिएशन, कि जो फिक्स कॉस्ट का खर्चा है, फिक्स कॉस्ट का जो खर्चा है
इसके अंदर डेप्रिसिएशन भी इंक्लूडेड है, डेप्रिसिएशन ऑफ इक्विपमेंट एंड फिटिंग ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड फॉर नेक्स्ट 5 years. अब डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट, अब फिक्स एसेट जो हमने परचेज करे थे वो मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, देखो फिक्स एसेट जो हमने परचेज करे थे वो ऊपर से मैं देखना पड़ेगा, रुको गाइस मैं इसको हटाना पड़ेगा मुझे, आई एम सॉरी आई हैव टू रब इट, क्योंकि ऊपर मुझे देखना पड़ेगा. याद है फिक्स कॉस्ट की वैल्यू है $150,000. यहाँ पे ये देखो डेप्रिसिएशन किस पे लगेगी, जो हमने इक्विपमेंट परचेज किया है 120,000. तो 120,000 डिवाइड बाय 5, क्योंकि 5 ईयर्स की डेप्रिसिएशन है, दैट मीन्स हर साल 24,000 की लगती है हमारी डेप्रिसिएशन. सो दैट मीन्स अगर मैं यहाँ पे अब दोबारा से बात करूँ, मेरा जो फिक्स कॉस्ट था पूरे साल का इट वॉज 150,000. इस दिस इंक्लूड्स डेप्रिसिएशन, तो 24,000 मेरी डेप्रिसिएशन थी वो मैं माइनस कर दूंगा, तो जो मेरी कैश फिक्स कॉस्ट है, कैश फिक्स कॉस्ट पर एनम इट विल बी 150,000 माइनस 24,000, सो इट इज 126,000. तो 126,000 जो मेरी आई है दिस इज कैश फिक्स कॉस्ट, के टोटल फिक्स कॉस्ट का खर्चा इतना था और वो हमने उसी टाइम में पे कर दिया, इसमें लिखा हुआ है कैश फिक्स कॉस्ट जो हमारी है वो उसी टाइम फिक्स कॉस्ट ओवर इज पेड इन द मंथ इनकर्ड, जिस मंथ में होता है उसी मंथ पे कर देते हैं, तो पूरे साल का इतना था तो पूरे साल में पे कर दिया होगा, बट इसमें 24,000 की डेप्रिसिएशन थी जिसके लिए तो कैश पे होता ही नहीं, तो डेप्रिसिएशन हटा दिया, तो जो कैश पेमेंट की होगी फिक्स कॉस्ट की इट इज़ 126, ये है पूरे साल की, डिवाइड बाय 12, दैट मीन्स 10,500 दिस इज फिक्स कॉस्ट पर मंथ, और ये करते ही मैंने साथ ही पे कर दिया होगा. सो दैट मीन्स अगर मैं आउटफ्लो की बात करूँ, आउटफ्लो में मेरा एक और आ गया फिक्स कॉस्ट, दिस इज 10,500. कंट्रोल सी, इसको मैं आगे करता हूँ कंट्रोल डी. अब गाइस नीचे जगह थोड़ी कम है तो मैं काम करता हूँ, मैं इस पूरे को, अब देखो यहाँ पे मैंने क्या करना है, कंट्रोल एक्स मैंने कट करा, थोड़ा सा ऊपर करके मैंने यहाँ कर दिया कंट्रोल वी, मैंने क्या करा कट करके, क्योंकि जब हम कट करके पेस्ट करते हैं ना तो फॉर्मूला ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है, जो मैंने फॉर्मूलेज लगाए हुए हैं ना वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएंगे. अगर मैं कॉपी करके करता ना, देखो अगर मैं कंट्रोल इसको, अगर मैं मान लो मैं यहाँ पे इसको कॉपी करता, मैं अगर कॉपी करता और यहाँ पेस्ट करता तो फॉर्मूले सारे गड़बड़ हो जाते हैं. तो हमें अगर हमें कुछ शिफ्टिंग करनी है तो हम क्या करेंगे, कट और पेस्ट. तो मैंने इसको क्या किया, कट और पेस्ट, सो कंट्रोल एक्स कट यहाँ ऊपर लाया और कंट्रोल वी पेस्ट. ठीक है, ये हो गया मेरा आउटफ्लो. अब इसके बाद नेक्स्ट आउटफ्लो, दैट इज सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड. तो सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड के बारे में क्या बोल रहे हैं गाइस, सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड आर फिक्स्ड एंड विल बी 2,08,000 इन द फर्स्ट ईयर. तो 2,08,000 का मेरा सेलिंग एंड ओवरहेड होंगे. दीज ओवरहेड्स इंक्लूड डेप्रिसिएशन ऑफ डिलीवरी वैन ऑफ 30% पर ईयर ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड. अब हमारी जो डेप्रिसिएशन लगेगी, 15,000 की वैन थी मैंने पढ़ लिया था, 30,000 दैट मीन्स 4,500 की डेप्रिसिएशन हम यहाँ से माइनस कर देंगे. सो 2,08,000 माइनस 4,500, सो दैट मीन्स 2,35,000. एक तो ये हमारा हो गया जो कैश जाएगा. ऑल फिक्स्ड ओवरहेड्स विल बी इनकर्ड ऑन अ रेगुलर बेसिस एंड पेड इन द मंथ इनकर्ड विद द एक्सेप्शन ऑफ रेंट एंड रेट. 25,000 इज पेबल फॉर अ ईयर अहेड इन द मंथ ऑफ रेंट ऑफ ये. ठीक है, देखो गाइस अब ये पॉइंट बहुत ध्यान से सुनना, बहुत 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 ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब समझने के लिए कॉन्सेप्ट. हम कुछ भी अभी तक हमने यहाँ पे कुछ भी आज तक इस चैप्टर का नहीं पढ़ा है, बेसिकली सब्जेक्ट का नहीं पढ़ा है FM का. हम सिंपल कैलकुलेशन कर रहे हैं, जो अभी तक हमने सारे सब्जेक्ट्स की पढ़ी है उन सब का एक कंबाइंड कैलकुलेशन कर रहे हैं. FM, FR, PM, उन सब की हमारी कैलकुलेशन चल रही है. तो यहाँ कह रहा है कि चलो ये तो मैंने माइनस कर दिया, इसका तो हो गया क्लियर. ऑल फिक्स ओवरहेड विल बी इनकर्ड ऑन रेगुलर बेसिस एंड पेड इन द मंथ जब इनकर्ड हुए हैं, विद द एक्सेप्शन ऑफ रेंट एंड रेट ऑफ 25,000. अब 25,000 पूरे साल का खर्चा है, 25,000 इज रेंट, इज पेबल फॉर द ईयर अहेड इन द मंथ फॉर द रेंट एंड रेट. मतलब हम वन ईयर का जो रेंट है वो फर्स्ट मंथ में पे कर देते हैं. वन ईयर का जो रेंट है हम फर्स्ट मंथ में पे कर देते हैं. तो जो 2,35,000 जो वैल्यू थी उसमें से 25,000 अगर मैं रेंट हटा दूं, सो दैट मींस माइनस 25,000, सो दैट मींस 178,500 ये वो वैल्यू है
जो ईयरली स्प्रेड हुई है कि टोटल पूरे साल का खर्चा इतना था, जिसमें से 25,000 जो है उसके बारे में मुझे स्पेसिफिक बताया हुआ है कि वो मैं पहले महीने में ही पे कर देता हूँ, ओके, और बाकी का जो मेरा अमाउंट है वो मेरा पूरा साल में स्प्रेड होगा। तो डिवाइड बाई 12, जब मैं इसको डिवाइड बाई 12 करता हूँ, दैट मीन्स 14875। तो सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जो है, अब ध्यान से देखना, फिक्स ओवरहेड के बाद में क्या लिख रहा हूँ, सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, इसकी मेरी कॉस्ट देखना गाइस। अब पहले महीने में एक तो मेरा आएगा 14875, ये तो है ही है, प्लस मुझे बोला गया था कि जो रेंट है 25,000, वो 25,000 का रेंट मैं एडवांस में पे करता हूँ, पूरे साल का जो रेंट है वो फर्स्ट ईयर में एडवांस में पे कर देता हूँ, तो प्लस 25,000, सो दैट मीन्स जो फर्स्ट ईयर मेरा एक्सपेंडिचर होगा वो होगा इतना, और अब सॉरी फर्स्ट मंथ जो होगा वो होगा इतना, क्योंकि इस पूरे साल का जो रेंट आगे का है वो मैंने यहाँ पे कर दिया, बाकी एवरी रिमेनिंग मंथ मेरा खर्चा होगा 14875। तो 14875 इसको किया कॉपी कंट्रोल सी और हर जगह पे पेस्ट कंट्रोल वी, ठीक है गाइस, ये क्लियर है कैसे आया। टोटल जो मेरी वैल्यू थी उसमें से मैंने डेप्रिसिएशन हटा दी, इस वैल्यू में ये पूरे साल की वैल्यू है, बट रेंट के बारे में स्पेसिफिकली बोला हुआ है कि मैं वन मंथ एडवांस में पे करता हूँ पूरे साल का रेंट, पूरे साल का जो रेंट है मैंने फर्स्ट मंथ में पे कर दिया, वो छोड़ के बाकी जो रिमेनिंग बचा हुआ है वो इवनली पूरे साल में स्प्रेड हो गया, वो मैंने पूरे साल में स्प्रेड कर दिया। तो हमारे को कैश इनफ्लो पता चल गया और हमारे को अब कैश आउटफ्लो पता चल गया, और तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे, है ना, ये हो गया, ये हो गया, पेमेंट फॉर रॉ मटेरियल हो गया, लेबर हो गया, फिक्स ओवरहेड हो गया, ठीक है, बस दैट्स इट। अब एक काम करते हैं, अब सीधा सीधा हम अपना आंसर निकालते हैं, चलो। सो अब इसका आंसर कैसे निकालेंगे हम, लेट्स स्टार्ट। मैं पहले ही हटाता हूँ इसको, मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, मैं इसको थोड़ा करता हूँ बड़ा, क्योंकि हमें थोड़ा सा फिगर बड़ी देखनी है यहाँ पे। सो देखो, तो अब मैंने करा नेट इनफ्लो, सो नेट इनफ्लो इज एक ही फलाइन है, तो इज इक्वल टू दिस, ये लो, ये आ गया नेट इनफ्लो, इसको मैं कर देता हूँ बोल्ड। अब आएगा नेट आउटफ्लो, एक काम करते हैं, इस नीचे वाली सारी चीज़ों को भी मैं कट करके ना थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, क्योंकि गैप मुझे चाहिए, तो मैंने सारा कंट्रोल एक्स कट, थोड़ा सा नीचे गया और यहाँ कंट्रोल भी, ठीक है। मैंने कहा था अगर हम कट करेंगे तो कोई भी फॉर्मूले में कोई भी चेंज नहीं आएगा, कट करके सारी फिगर चेंज होती हैं, तो फॉर्मूला सेल सब कुछ ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है। तो ये आ गया मेरा नेट इनफ्लो, अब आएगा नेट आउटफ्लो, सो नेट आउटफ्लो विल बी इज इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट, इन सब का टोटल, ये आ गया मेरा नेट आउटफ्लो, कंट्रोल सी, यहाँ सब में पेस्ट कंट्रोल बी, और ये मैंने कर दिया ब्रैकेट, ओ सॉरी ब्रैकेट कर रहा हूँ बोल्ड। सो ये आ गया मेरा नेट आउटफ्लो, हमें सिर्फ चार मंथ का देखना है, तो मैं फिफ्थ मंथ को एक काम करता हूँ, इसको मैं यहाँ से हटा ही देता हूँ, वाई टू वेस्ट आर टाइम, तुम इसको फिफ्थ मंथ को कंसिडर ही मत करो, ठीक है, चलो मैं हटा देता हूँ। तुम बोलोगे सर हटा दो ना आप, क्यों ऐसे कर रहे हो, ये लो मैंने हटा दिया, ठीक है, नेट आउटफ्लो आ गया। अब मेरे को देखना है नेट फ्लो, अब नेट फ्लो मतलब कितना कैश आया कितना कैश गया, इज इक्वल टू इनफ्लो माइनस आउटफ्लो, इनफ्लो माइनस आउटफ्लो, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। देखो गाइस, ये मेरा आ गया नेट फ्लो, मतलब पहले साल मेरी जेब से इतने पैसे गए नेगेटिव, दूसरे साल मेरी जेब से इतने पैसे गए नेगेटिव, थर्ड ईयर में मेरे पास कुछ कैश आया और फोर्थ ईयर में भी मेरे पास कैश आया, ठीक है, थर्ड ईयर में भी कैश आया और फोर्थ ईयर में भी मेरे पास कैश आया। अब हमें पूरे क्वेश्चन में कहीं नहीं गिवन कि हमारे पास ओपनिंग कैश बैलेंस कितना है, सो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, नेट फ्लो ओपनिंग बैलेंस पहले तो मेरा जीरो था, अब मैं साथ ही लिख दूंगा क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस दिस विल बी माय फाइनल आंसर, क्लोजिंग बैलेंस जो आएगा ये होगा मेरा फाइनल आंसर। सो ओपनिंग बैलेंस सो इज इक्वल टू ओपनिंग बैलेंस प्लस जितना मेरे पास कैश आया, मैंने क्लोजिंग बैलेंस का फॉर्मूला क्या लगाया कि मेरे पास कितना कैश था प्लस ड्यूरिंग द ईयर मेरे पे कितना कैश आया, तो वो तो नेगेटिव ही है,
अब जो मेरा क्लोजिंग बैलेंस है वो नेक्स्ट मंथ का ओपनिंग बन गया, क्लोजिंग बैलेंस इज इक्वल टू नेक्स्ट मंथ का ओपनिंग बैलेंस। अब नेक्स्ट मंथ ओपनिंग था मेरे पास नेगेटिव बैलेंस और दोबारा से कैश नेगेटिव आ गया, तो यही फॉर्मूला मैंने कर दिया कॉपी, कंट्रोल सी कॉपी, और यहाँ कर दिया मैंने कंट्रोल वी पेस्ट, और इस फॉर्मूले को भी कॉपी कर दिया, इसको भी कर दिया मैंने पेस्ट। सिंपल कि मेरे पास पहले था कैश इतना, ठीक है, इतना मेरा नेगेटिव कैश है, पहले कैश कुछ भी नहीं था, इतना मेरे पास बैलेंस हो गया नेगेटिव कैश में, चाहे वो मैंने बैंक से लोन लिया है, ये मेरा नेगेटिव कैश है, लोन लिया हुआ इतना। अब अगले साल दोबारा कैश नेगेटिव पहुंच गया, ऑलरेडी इतना नेगेटिव था तो नेगेटिव नेगेटिव बढ़ गया। अब अगले साल इतना कैश मेरे पास आ गया, क्लोजिंग मेरे पास नेगेटिव इतना था, इतना कैश आ गया, इतना अभी भी नेगेटिव पड़ा है, देन दोबारा कैश आया, इतना नेगेटिव ऑलरेडी था तो इतना अभी भी नेगेटिव पड़ा हुआ है। तो सिंपल नेट फ्लो इतना हुआ ड्यूरिंग द ईयर, ओपनिंग बैलेंस इतना, क्लोजिंग इतना। याद रखना, एक साल का क्लोजिंग अगले साल का क्या बन जाता है, ओपनिंग। एक साल का क्लोजिंग अगले साल का ओपनिंग बन जाता है। तो मैंने बुक का फॉर्मूला थोड़ा सा अलग यूज़ किया, मैंने अपने लॉजिक वाला फॉर्मूला यूज़ किया, एक साल का क्लोजिंग अगले साल का ओपनिंग। सो जितना कैश फ्लो आया प्लस ओपनिंग इज इक्वल टू क्लोजिंग, जितना कैश फ्लो आया प्लस ओपनिंग इज इक्वल टू क्लोजिंग। ये फिगर नेगेटिव में है इसीलिए मेरा आंसर ऐसे आया, ठीक है। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से एक बार दो बार तीन बार ज़रूर कर लेना गाइस, ज़रूर कर लेना, बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये, ठीक है। लेकिन जब तुम इसको करोगे ना क्वेश्चन को, तुम्हें चीज़ें बड़े अच्छे से समझ आ जाएंगी। दिस इज़ नॉट डिफ़िकल्ट, डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन बड़ा आसान क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ी सी मेहनत करनी है बस, लेकिन सब क्लियर हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो हमें इसमें पॉइंट पूछ रहे हैं, कैलकुलेट इन्वेंट्री, हमारे पास इन्वेंट्री कितनी होगी, रिसीवेबल्स एंड पेबल एट द एंड ऑफ फोर मंथ, के फोर मंथ बाद हमारे पास टोटल इन्वेंट्री कितनी होगी, टोटल रिसीवेबल कितने होंगे, टोटल पेबल कितने होंगे। अब चलो पहले बात करते हैं इन्वेंट्री की। सो इन्वेंट्री मतलब, एक तो मेरे पास देखो गाइस, एक तो मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक फोर मंथ में ये होगा 13,000, है ना, नहीं एक सेकेंड, ओहो गाइस एक छोटी सी मिस्टेक होगी मेरे से, हो सकता है बहुत सारे बच्चे अब हंस रहे होंगे, क्या कि सर आपने गड़बड़ कर दी, आपने गड़बड़ कर दी, सेल 104,000 नहीं है, जो सेल थी वो थी कितनी, 1,00,000, आपने 104,000 कर दी, आपको तो आंसर गलत हो गया। बट कोई बात नहीं, अब तुम देखो मैजिक, मैजिक क्या, सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड है, मैंने पूरी शीट इंटरलिंक करी हुई है, मैं जैसे इसको 1,00,000 करूँगा मेरा आंसर सही हो जाएगा। तो मैंने करा इसको 1,00,000, देखो मैं यहाँ पे आया एंटर, सारी चीज़ें मेरी ऑटोमेटिकली चेंज हो गई, और मैं अपना फाइनल आंसर चेक करूँ, फाइनल आंसर मेरा बुक के आंसर से एग्जैक्टली टैली कर रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने सारी चीज़ें लिंक करी है, मैंने कोई भी फिगर लिखी नहीं है। इज इक्वल टू को मतलब क्या होता है कि वहाँ वाली फिगर एग्जैक्टली यहाँ पे आ जाए, और जो भी चेंज उधर हो, अगर मान लो मैं इधर इज इक्वल टू करता हूँ, मैं यहाँ करता हूँ इज इक्वल टू और लिंक देता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ जो भी मैं चेंजेस करूँगा ना गाइस, वो मेरी यहाँ पे भी चेंजेस हो जाएंगे। एक्सेल जो भी मैं चेंजेस यहाँ करूँगा वो यहाँ होते चले जाएंगे। ये होता है इज इक्वल टू का फॉर्मूला। तो मैंने हर चीज़ लिंक करी हुई थी यहाँ पे, और लिंक करने से जो मेरा आंसर गलत हुआ, मैंने एक फिगर सिर्फ सेल्स की चेंज करी, सारा फॉर्मूला लगा हुआ है और मेरा आंसर ऑटोमेटिकली सही आ गया। ठीक है ना, अब देखो अब मैच कर रहा है ना। बच्चे बहुत सारे हंस रहे होंगे स्टार्टिंग में, सर पूरा क्वेश्चन आप गलत करते जा रहे हो, एंड में पता चलेगा पूरा क्वेश्चन दोबारा करना पड़ेगा। बट नो, स्प्रेडशीट का यही फ़ायदा होता है, गलती अगर तुमने करी है कोई बात नहीं, लेकिन लेकिन अगर तुम सारी चीज़ें लिंकिंग करके अच्छे से स्प्रेडशीट यूज़ करते चले जाओगे ना, तो तुम्हारा ऑटोमेटिकली आंसर एक ही फिगर को ठीक करके सही आ जाएगा। अब आंसर सही आ गया। अब मैं बात करता हूँ हमारे रॉ मटेरियल की। तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ था, पहले पूछा हुआ है कैलकुलेट टोटल इन्वेंट्री हमारे पास कितनी होगी, इन्वेंट्री कितनी होगी, तो हमारे पास प्रोडक्शन कितनी है, सॉरी क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास कितना है फोर मंथ के एंड में, इट इज़ 12500, और रॉ मटेरियल क्लोजिंग कितना है 15625। तो 15625 तो रॉ मटेरियल की सीधा सीधा कॉस्ट हमें पता है 15625, है ना, रॉ मटेरियल तो हमें पता ही है। हाँ गाइस, तो यहाँ पे हमारा रॉ मटेरियल कितना आ रहा है, एक तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक हमारा है 13,000,
सॉरी क्लोथिंग स्टॉक हमारे का, सॉरी मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, दिमाग खजल कर दिया इसने। तो 12,000 मेरा है क्लोथिंग स्टॉक, तो 12,000 क्लोथिंग स्टॉक है और क्लोथिंग स्टॉक की वैल्यू थी 5, तो 12,500 into 5, दैट मीन्स 62500, ये तो मेरा आ जाएगा फिनिश गुड्स का क्लोथिंग स्टॉक, और क्लोथिंग स्टॉक रॉ मटेरियल ऑलरेडी आ रहा था 16250, तो 62500 प्लस 16250 तो 78750, ये आ जाएगा मेरा क्लोजिंग इन्वेंट्री। अब ऐसे ही तुम निकाल लोगे क्लोजिंग रिसीवेबल और क्लोजिंग पेबल, क्लोजिंग रिसीवेबल क्लोजिंग पेबल, तुम्हारे यहीं से फिगर आ जाएगी, इसमें कुछ खास नहीं है कि फोर्थ ईयर में रिसीवेबल कितने होंगे तुम्हारे को जो फिफ्थ ईयर में आने, फोर्थ ईयर में रिसीवेबल कितने होंगे तुम्हारे को जो फिफ्थ ईयर में आने, तो 72 माइनस 24, दिस विल बी द रिसीवेबल जो फिफ्थ ईयर में तुम्हें आने हैं, फोर्थ ईयर के रिसीवेबल कितने होंगे एंड में जो फिफ्थ ईयर में आने, तो 72,000 माइनस 2,400, सो दैट मीन्स 69600 वो आ जाएंगे रिसीवेबल, और पेबल कितने आएंगे, ओ सॉरी मैं फिर से गलत बोल गया गाइस, ये है पेबल की फिगर, नहीं रिसीवेबल ये गाइस, सॉरी कन्फ्यूजन, ये मैं बात कर रहा हूँ इनफ्लो की, मतलब सेल, तो क्रेडिट सेल, तो इतना मेरा आ जाएगा रिसीवेबल, रिसीवेबल विल बी 69600, ये आ जाएंगे मेरे टोटल रिसीवेबल के, इतने पैसे मुझे आने हैं रिसीवेबल, क्योंकि फोर मंथ में जो एंड में मुझे आने थे वो फिफ्थ मंथ में आएंगे, फिफ्थ मंथ में कितने आएंगे कैश, इतना, सो दिस विल बी माई रिसीवेबल। पेबल कितने होंगे मेरे, पेबल हम यहाँ से देख लेते हैं, जो हमने क्वेश्चन करा था ये रहा रॉ मटेरियल पेबल फोर मंथ का 30, नहीं तो पेमेंट फॉर रॉ मटेरियल है, पेबल हमारे निकलेंगे यहां से ये रहा, तो फोर्थ ईयर एंड में हमने इतना रॉ मटेरियल परचेज किया था जिसकी पेमेंट हम नेक्स्ट मंथ कर रहे हैं, दैट मीन्स दिस विल बी माय पेबल, रॉ मटेरियल के पेबल के इतना अमाउंट मुझे नेक्स्ट मंथ में देना है, कि रॉ मटेरियल मैंने इतने का परचेज किया था और ये नेक्स्ट मंथ पे करूंगा, तो इस मंथ के लिए ये मेरा हो जाएगा पेबल, तो इतना हो जाएगा पेबल क्योंकि मैंने नेक्स्ट मंथ पे करा है, ऊपर जो मैंने पढ़ा था वो आ जाएगा रिसीवेबल, तो ये है मेरा टोटल आंसर। तो इन्वेंट्री का मैंने तुम्हें बता दिया, रिसीवेबल मतलब जो फिफ्थ ईयर में मुझे अमाउंट आया है क्योंकि फोर मंथ का अमाउंट था, तो फोर मंथ का आउटस्टैंडिंग वो आ जाएगा रिसीवेबल, पेबल में जो फिफ्थ ईयर में मैंने पे किया है आउटफ्लो, जो फोर मंथ में मेरा आउटस्टैंडिंग था, दैट विल बी माई पेबल एंड दिस इज माई आंसर। तो बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को करना, मुश्किल नहीं है, तो इस क्वेश्चन को 2-3 बार देखना अगर एक बार में ना समझ आए, और मैं एक चीज़ बोलूँगा सारे बच्चों को कि इस क्वेश्चन को खुद एक बार अपने स्प्रेडशीट में सॉल्व करो, कॉपी में सॉल्व करोगे तो गलती के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, और टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा क्योंकि कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, कैलकुलेटर यूज़ करना पड़ेगा, स्प्रेडशीट में करो देखो, एंड उसके बाद जब तुम 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे ना, एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा, क्यों, क्योंकि स्प्रेडशीट में करके तुम्हें सारे फॉर्मूलेज याद हो गए सारे एक्सेल के, अब तुम्हें सिर्फ दिमाग लगाने के कौन सी चीज़ कहाँ है, कि दिमाग लगाया, कैलकुलेशन पे दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, फॉर्मेटिंग एक बार कर दी सब कुछ ऑटोमेटिकली होता चला जाएगा, ठीक है, चलो बाय गाइस, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट टाइम।